नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम कुछ इजी रेसिपी सीखेंगे चॉकलेट्स बनाने की, जिसको हम घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं और बच्चों को भी ये चॉकलेट्स बहुत पसंद आएंगी और ये ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं है। इसके लिए हम एक बाउल में गर्म पानी ले लेंगे और उसके ऊपर हम एक कांच का बाउल रख देंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और उसमें हमने डाली है थोड़ी सी पिसी हुई चीनी और उसके बाद हम उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसको ज़्यादा तेज हाथ से मिक्स करिएगा, जिससे ये चीनी जो है ये ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये गर्म पानी नीचे रहेगा तो ये उससे मेल्ट भी हो जाएगी। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर। ये मैंने 4 टेबल स्पून लिया है मिल्क पाउडर और अब हम इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और याद रखिएगा पानी गर्म रहना चाहिए जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसको एक जार में डाल के पीस लेंगे, क्योंकि इसमें ना थोड़े से लम्स कहीं कहीं पड़ जाते हैं। इसको स्मूथ पेस्ट बनाना है हमको, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा मिक्सी में डाल के इसको हम पीस लेंगे। ये हमने इसको जार में डाल दिया। और ये सारी चॉकलेट्स आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपकी ये इतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स बन जाएंगी। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 2 या 3 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है मिल्क और अब हम इसको एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा बन गया है एक स्मूथ पेस्ट। और अब आप इसको जैसे भी शेप में बनाना चाहें आप उसमें वैसे शेप का बना सकते हैं। मेरे पास ये शेपर है, आप इसको किसी आइस क्यूब वाले बाउल में भी डाल के आप इसकी चॉकलेट्स रख सकते हो। इसको रखने के बाद हम इसको फ्रिज में 2 से 3 आवर्स के लिए रख देंगे। और अब हम इसको सारों में भर देंगे। अब इसको कैसे भी शेप में आप कर सकते हैं। ये देखिए मेरा ये सारा सेट हो गया है, अब इसको फ्रिज में रख देंगे। अब हमने वही वाला बाउल जिसको मैं हमने पहले ये बनाया था उसी में हमने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाला और 4 टेबल स्पून हम डालेंगे कोका पाउडर। और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी पहले वाले में हमने यूज़ किया था शुगर पाउडर और अब हम यूज़ करेंगे मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क। आप कोई भी कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अब ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। आप चाहिए तो इसको आप छान के भी डाल सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ कि पानी को नीचे जो रहेगा वो थोड़ा सा उसको गर्म ही रहने दीजिएगा, जिससे वो गर्म रहेगा तो ये अच्छे से मिक्स करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये जमेगा नहीं। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून से 5 टेबल स्पून, आप 4 to 5 आप कितने भी स्पून ले सकते हो, 4 or 5। और उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लो। इसको भी अब इसको जब तक फेंटिएगा जब तक कि इसका पेस्ट जो होगा वो स्मूथ नहीं हो जाएगा। आप बीटर से भी कर सकते हो और इसको अच्छे से आप फेंट लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें आपको, 5 मिनट, लेकिन ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिएगा लम्स ना रह जाएं। अगर आपको लग रहा है ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप इसको मिक्सर में भी डाल के, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून दूध के डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा दूध मत डालिएगा। बस मैंने इसको स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून का यूज़ किया है। अगर आप थोड़ा सा दूध ज़्यादा डाल दोगे तो फिर इसकी जब चॉकलेट जमाओगे तो वो ठीक से जमेंगी नहीं। ये देखिए अब इसका पेस्ट एक स्मूथ बन गया है।
और अब हम इसको बहुत ही इजीली में आप आइस ट्रे ले लीजिए और उसके अंदर आप इसको भर दीजिए। और इसको भी आप 2 से 3 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट कर दीजिए, जिससे ये आपकी जो चॉकलेट्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। देखिए ये सारी भर गई हैं, अब मैं इसको 2 से 3 आवर्स के लिए रख दूँगी। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बाउंटी। इसमें हमने लिया है कोकोनट पाउडर और उसमें हमने डाला है मिल्क मेड और 1 टेबल स्पून हमने डाला है ऑयल। कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो और मैंने लेकिन इसके अंदर सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल रहता है। कोकोनट ऑयल अगर आपके पास हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इनको मिक्स करके एक बाउंटी का शेप दे दीजिए और फिर जो हमारे पास लेफ्ट ओवर चॉकलेट बची थी उसी चॉकलेट को हम यूज़ कर रहे हैं इसको कोट करने में। ये हमने पूरे अच्छे से इसको कोट कर लिया है और फिर हम एक पेपर पे इसको रख देंगे। इसी तरह से हम सारी जो बाउंटीज़ हैं उनको कवर करके इस तरह से रख देंगे और इसको भी हम फ्रिज में 2 आवर्स के लिए रख जाएंगे। हमारे पास चॉकलेट अभी भी बची हैं तो अब हम इसका यूज़ क्या करते हैं, हमारे पास थोड़े से आलमंड्स पड़े हैं, हमने उनको भी कवर करके इस तरह से चॉकलेट के शेप दे दिया। अब ये देखिए हमारी सारी चॉकलेट्स तैयार हो गई हैं 2 आवर्स के बाद और बहुत ही ईजी ये बन गई हैं और टेस्टी भी हैं। आप एक बार ज़रूर इन रेसिपी को ट्राई करिएगा और अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।